हेलो, वेलकम टू स्टेट कंप्यूटर साइंस। और ये पार्ट 4 है डेटा स्ट्रक्चर का। इस वीडियो में हम लोग इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स देखेंगे क्यू और ट्री का। तो चलिए आइए देखते हैं। फर्स्ट, अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इन विच एलिमेंट्स आर इंसर्टेड एट वन एंड एंड एलिमेंट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द अदर एंड इज कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे, एरे, स्टैक, लिंक्ड लिस्ट, क्यू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्यू। क्यू में क्या होता है, हम लोग क्यू का क्यू कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखिए। ये है तो एक एंड से हम लोग क्या करते हैं, डेटा को इंसर्ट करते हैं और दूसरे एंड से डेटा को डिलीट करते हैं। इसको क्या बोलेंगे, क्यू बोलेंगे। क्यू फॉलोज डैश मैकेनिज्म, कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करता है, लीफो, फीफो, बोथ, नन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फीफो। मीन्स स्टैक कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करता था, लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, स्टैक करता था। इसमें क्या होता था, जो सबसे लास्ट में पुश होता था वो सबसे पहले पॉप होता था, बट क्यू जो है वो फीफो मैकेनिज्म को फॉलो करता है। फीफो स्टैंड्स फॉर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फास्ट इन फॉर आउट, फर्स्ट इन फॉर आउट, नन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे पहले इन करेगा वो सबसे पहले आउट होगा। और लीफो में क्या था, जो सबसे लास्ट में आता था वो सबसे पहले जाता था, बट फीफो में जो सबसे पहले आएगा वो सबसे पहले बाहर होगा। तो ये क्या है, इसे एग्जांपल हो गया फीफो का, स्टैंडिंग ऑनलाइन फॉर टिकट रिजर्वेशन। जैसे टिकट रिजर्वेशन में जो सबसे पहले पहुंचता है और लाइन में जो सबसे पहले रहता है उसको टिकट सबसे पहले मिलता है काउंटर से और वो सबसे पहले बाहर जाता है, उसको क्या बोलेंगे, फीफो मैनर बोलेंगे। नेक्स्ट, इन क्यू एलिमेंट्स आर एडेड एट वन एंड is called dash and elements are deleted from the other end is called dash. ये क्यू है, इसमें एक एंड से एलिमेंट को हम लोग एड करते हैं और दूसरे एंड से एलिमेंट को डिलीट करते हैं। तो जो जिस एंड पे एड करते हैं एलिमेंट्स को उसको क्या बोलेंगे और जिस पे डिलीट करते हैं उसको क्या बोलेंगे, अप एंड डाउन, टॉप एंड बॉटम, रियर एंड फ्रंट, ऑल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रियर एंड फ्रंट। रियर एंड पे हम लोग क्या करते हैं, एलिमेंट्स को एड करते हैं, रियर एंड पे एलिमेंट्स को एड करेंगे और फ्रंट पे क्या करेंगे, एलिमेंट्स को रिमूव करेंगे। स्टैक में क्या होता था, स्टैक में सिर्फ एक ही एंड होता था, टॉप। टॉप पे ही हम लोग टॉप पे ही पुश ऑपरेशन करते थे, टॉप पे ही पॉप ऑपरेशन करते थे, बट इसमें क्या है, क्यू में क्या है, दो एंड होता है। एक पे हम लोग क्या करते हैं, रियर एंड पे क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं और फ्रंट एंड पे क्या करते हैं, डिलीट करते हैं। इंसर्टिंग एन एलिमेंट इन क्यू इज कॉल्ड, क्यू में जो हम लोग एलिमेंट्स को इंसर्ट करते हैं उस ऑपरेशन को क्या बोलेंगे और जहां से डिलीट करते हैं उस ऑपरेशन को क्या बोलेंगे। तो जैसे स्टैक में हम लोग इंसर्टिंग को क्या बोलते थे, पुश बोलते थे और डिलीटिंग को क्या बोलते थे, पॉप बोलते थे, वैसे ही क्यू में इंसर्टिंग को क्या बोलेंगे और डिलीटिंग को क्या बोलेंगे, एन क्यू, डी क्यू, इंसर्ट एंड डिलीट, बोथ, नन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एन क्यू एंड डी क्यू। एन क्यू क्या होगा, जहां पे इंसर्ट करेंगे डेटा, और डी क्यू मीन्स जहां से डिलीट करेंगे, मतलब एन क्यू मतलब इंसर्शन और डी क्यू मतलब डिलीशन। ये दो ऑपरेशन होता है क्यू में, स्टैक में जैसे पुश पॉप होता था। 44, क्यू कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन फॉलोइंग वेज, जैसे स्टैक में हम लोग इम्प्लीमेंट करते थे, स्टैक को कैसे इम्प्लीमेंटेशन करते थे, किस तरीके से, एरे एंड लिंक लिस्ट से। तो क्यू में कैसे करेंगे उसका इम्प्लीमेंटेशन, एरे, लिंक लिस्ट, बोथ, नन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ, इसमें भी हम लोग दोनों इम्प्लीमेंटेशन को यूज करेंगे, एरे को भी
और लिंक लिस्ट को भी। ये किसके लिए होता है? स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन और ये डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। नेक्स्ट, अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर दैट रिप्रेजेंट डेटा कंटेनिंग अ हायरार्किकल रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट्स इज कॉल्ड एक। अब अभी तक हम लोग क्या लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को पढ़ रहे थे, अब क्या पढ़ेंगे? नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। लीनियर में हम लोग कौन कौन सा देखें? एरे देखें, स्टैक को देखें, क्यू को देखें, लिंक्ड लिस्ट को देखें। अब नॉन लीनियर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? ट्री को और ग्राफ को। तो अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर दैट रिप्रेजेंट्स डेटा कंटेनिंग अ हायरार्किकल रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट्स इज कॉल्ड ट्री, एरे, क्यू और। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्री। ट्री क्या है? नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो रिप्रेजेंट करता है डेटा को इसमें हायरार्किकल रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट्स। ओके, ये हो गया एक ट्री डायग्राम। ये हो गया, ये सब क्या बोलेंगे? ये सब नोड होता है। जो भी एलिमेंट्स है वो क्या है? नोड है। इसको जो फर्स्ट है उसको क्या बोलेंगे? रूट नोड बोलेंगे। और एक ट्री में एक ही रूट नोड होता है, इसको क्या बोलेंगे? एस बोलेंगे, जो दो नोड को कनेक्ट करता है। ये सारे नोड्स हो गए ट्री के। और ये क्या हो गया? ये लेवल जीरो हो गया। सबसे पहला जो रूट नोड होता है वो लेवल जीरो पे होता है, फिर लेवल वन, फिर लेवल टू, फिर लेवल थ्री। ये ट्री डायग्राम है। और ट्री डायग्राम में किसी भी नोड्स का, किसी भी नोड का कितने भी नंबर ऑफ सब ट्री हो सकता है, मतलब सब नोड्स। जैसे ए है तो इसका तीन सब नोड्स है, यहाँ पे जे है तो इसका तीन सब नोड्स है, मीन्स इसका चाइल्ड, तीन चाइल्ड है इसका, एल के एम। ए का कौन सा है? बी सी ई, तीन चाइल्ड है इसका, मतलब एनी नंबर ऑफ चाइल्ड हो सकता है एक नोड का ट्री में। नेक्स्ट, ये कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है ट्री के। जैसे ये ट्री डायग्राम हो गया ये। अब नोड्स किसको बोलते हैं? ये देखिए, इसमें भी एमसीक्यूज बन सकता था। नोड्स किसको बोलेंगे, रूट नोड किसको बोलेंगे, एज क्या कहलाता है, क्या क्या काम करता है एज, पेरेंट नोड कौन होता है, चाइल्ड नोड कौन होता है। लेकिन इसका एमसीक्यूज ये मैंने यहाँ पे स्लाइड ऐड किया है, इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है इसमें। आप लोग इसको अच्छे से, इसका एक्सप्लेनेशन को सुनिएगा दो तीन बार ध्यान से, क्योंकि छोटा छोटा एमसीक्यूज बनाने से कोई फायदा नहीं है। आप लोग एक्सप्लेनेशन सुनकर खुद वहां आंसर टिक कर सकते हैं। तो नोड किसको बोलते हैं? एलिमेंट्स ऑफ अ ट्री। ये जो ट्री के एलिमेंट्स हैं उसको क्या बोलेंगे? नोड। जैसे ए बी सी डी जितने भी एलिमेंट्स हैं ट्री में वो क्या है? नोड्स। रूट नोड, रूट नोड क्या होता है? स्टार्टिंग नोड ऑफ अ ट्री। ट्री के स्टार्टिंग नोड को क्या बोलेंगे? रूट नोड बोलेंगे। इसमें कौन सा है? ए है, यहीं से सारे ब्रांचेस ओपन हुए हैं। ए इज अ रूट नोड। ट्री विल हैव ओनली वन रूट। एक ट्री में सिर्फ एक ही रूट होता है। एज किसको बोलेंगे? लिंक बिटवीन टू नोड्स। दो नोड के बीच जो लिंक होता है उसको क्या बोलेंगे? एज बोलेंगे। ये सब क्या है? एज है, जो दो नोड को कनेक्ट करता है। एन नंबर ऑफ नोड्स इज इक्वल टू एन माइनस वन एज। जैसे अगर ट्री में काउंट करना है कि कितने एजेस हैं प्रेजेंट, तो जितने नोड्स होंगे उसमें माइनस वन करेंगे तो हम लोग को एज का नंबर पता चलेगा। जैसे यहाँ पे क्या है? एन इज इक्वल टू एट नोड्स। एट नोड्स है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, एट नोड्स है। तो एज कितने होंगे? एट माइनस वन, सेवन एजेस होंगे। से काउंट कीजिए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन एज है, तो एन माइनस वन एज होते हैं। पेरेंट नोड कौन से होते हैं? नोड्स विथ ब्रांचेस, जिसके ब्रांच हो उसको क्या बोलेंगे? पेरेंट नोड्स। मीन्स जैसे ए, तो इसके दो ब्रांच हैं, फिर बी, इसके तीन ब्रांच हैं, फिर ई, इसके दो ब्रांच हैं। तो ए
ए बी और ई क्या हो गया, पेरेंट नोड हो गया, क्योंकि इसके चाइल्ड है तो इसलिए ये पेरेंट नोड हो गया। चाइल्ड नोड, चाइल्ड नोड कौन कौन सा होता है, तो जैसे यहाँ पे है बी है ए का चाइल्ड, ए का चाइल्ड कौन कौन है, बी है सी है, फिर बी का चाइल्ड कौन है, डी है ई है एफ है, फिर ई का चाइल्ड कौन है, जी है और एच है, तो ये सारे चाइल्ड नोड्स। लीफ नोड, लीफ नोड को लोग टर्मिनल नोड भी बोलते हैं। लीफ नोड कौन सा नोड होता है जिसका कोई चाइल्ड नहीं होता, जैसे यहाँ पे सी, इसका कोई चाइल्ड नहीं है, डी एफ जी एच इन सबका कोई चाइल्ड नहीं है, इसको क्या बोलेंगे, लीफ नोड बोलेंगे, मीन्स टर्मिनल नोड, जैसे सी हो गया, डी हो गया, एफ हो गया, जी हो गया, एच हो गया, ये सब क्या है, टर्मिनल नोड। और नॉन टर्मिनल नोड किसको बोलते हैं, जिसका चाइल्ड होता है, जैसे ए, तो ए का भी चाइल्ड है, बी, बी का चाइल्ड है, ई, ई का चाइल्ड है, तो ये सब क्या हो गया, नॉन टर्मिनल, जस्ट अपोजिट ऑफ टर्मिनल नोड, इन सब का चाइल्ड है तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनल नोड। नेक्स्ट, ये अब ट्री में हम लोग कुछ कुछ कैलकुलेशंस करते हैं, जैसे ट्री के डिग्री को निकालते हैं, नोड के डिग्री को निकालते हैं, ट्री के लेवल को निकालते हैं, हाइट को निकालते हैं, तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखते हैं। सब इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जो यूज होता है जब हम लोग ट्री की स्टडी करते हैं। ट्री डिग्री, सबसे पहले देखते हैं डिग्री कैसे निकालते हैं, तो ये एक ट्री डायग्राम हो गया। तो डिग्री क्या होता है, नंबर ऑफ चाइल्ड नोड्स रिप्रेजेंट डिग्री ऑफ अ नोड, नंबर ऑफ चाइल्ड नोड्स रिप्रेजेंट डिग्री, जैसे नोड है ये ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो ये सब नोड्स जो नंबर ऑफ चाइल्ड नोड्स रिप्रेजेंट डिग्री ऑफ अ नोड, जो चाइल्ड नोड्स होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, डिग्री ऑफ अ नोड, जैसे ये ए है, यहाँ पे ए है, तो इसका डिग्री क्या होगा, इसके इसके कितने नंबर ऑफ चाइल्ड हैं, एक दो, फिर इन सबसे मतलब नहीं है, डायरेक्टली इसके कितने चाइल्ड है, एक दो, तो ये क्या हो गया, ए की डिग्री हो गई दो। डिग्री ऑफ बी, तो बी के डायरेक्टली कितने चाइल्ड है, एक दो तीन, तो ये डिग्री हो गई बी की तीन। तो ऐसे हम लोग नोड्स की डिग्री को निकालते हैं, जितने नंबर ऑफ चाइल्ड होते हैं, जिसमें जीरो है उसकी क्या डिग्री हो जाएगी, जीरो डिग्री होगी। मैक्सिमम नंबर ऑफ डिग्री अमंग ऑल नोड्स को क्या, तो ये तो हम लोग डिग्री ऑफ नोड्स को देखें, जैसे ए की डिग्री को, बी की डिग्री को, ई की डिग्री को, राइट। अब नोड्स की डिग्री और एक ट्री, पूरे ट्री की एक डिग्री निकाली जाती है, तो वो डिग्री कैसे पता चलता है, तो वो डिग्री पता चलेगा जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिग्री होगा ट्री में, जैसे ए है तो इसका दो ही डिग्री है क्योंकि दो चाइल्ड है, बी है इसका तीन डिग्री है क्योंकि तीन चाइल्ड है, ई है तो इसका दो डिग्री है क्योंकि दो चाइल्ड है, तो इसमें मैक्सिमम डिग्री किसका आ रहा है, बी का आ रहा है क्योंकि इसके तीन चाइल्ड है, जितने नंबर ऑफ चाइल्ड, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिग्री अमंग ऑल नोड्स, तो बी की सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिग्री है, तो ये जो बी की डिग्री है वही ट्री की डिग्री होगी, पूरे ट्री की डिग्री वही होगी, क्यों, क्योंकि इसमें इसका मैक्सिमम नंबर ऑफ डिग्री है, तो वो हो गई पूरे ट्री की डिग्री। तो ऐसे हम लोग निकालते हैं ट्री की डिग्री को, डिग्री ऑफ ट्री, राइट, थ्री यहाँ पे। फिर एक डिग्री निकाले, अब लेवल निकालते हैं, लेवल कैसे निकालते हैं, तो एवरी स्टेप्स इन अ ट्री इज अ लेवल, जैसे ये क्या हो गया, जीरो लेवल हो गया, ये दोनों किस पे आता है, वन पे आता है, ये तीनों किस पे आता है, टू पे आता है, ये दोनों थ्री पे आता है, तो ये सब क्या है, लेवल है। एवरी स्टेप्स, जो भी ये एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप, चार स्टेप जो ट्री में है वो क्या है, वो क्या कहलाता है, लेवल कहलाता है। और लेवल कहाँ से स्टार्ट होता है, तो जीरो से स्टार्ट होता है, रूट नोड से। लेवल ऑफ ट्री, ट्री का लेवल कैसे निकालते हैं, तो काउंट करेंगे, रूट नोड से स्टार्ट करेंगे, जीरो वन टू थ्री, जीरो से हम इसे स्टार्ट करेंगे, तो कितना हो गया, तीन लेवल हो गया यहाँ पे, तो ये ट्री की, ट्री का लेवल निकला। अब रूट का लेवल क्या होता है, हमेशा जीरो होता है, जहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो
ऐसे हम लोग लेवल को काउंट करते हैं। फिर हाइट और डेप्थ, हाइट और डेप्थ कैसे निकालते हैं ट्री का, तो मैक्स लेवल नंबर प्लस वन, इसको समझिएगा, मैक्स लेवल नंबर मीन्स ये उस ट्री में जो मैक्सिमम लेवल नंबर है, नंबर उस वो और प्लस वन करेंगे तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, हाइट को, ट्री के हाइट को, राइट, या फिर डेप्थ को, दोनों सेम प्रोसेस से निकलता है। तो ये यहाँ पे मैक्स लेवल नंबर कौन सा है, थ्री है, और उसमें प्लस वन करेंगे फोर क्या हो जाएगा, इसका हाइट हो जाएगा। तो क्या क्या निकाले हम लोग, डिग्री को निकाले, लेवल को निकाले, हाइट और डेप्थ को निकाले। और एक पाथ होता है, इसमें क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ नोड्स फ्रॉम रूट टू लीफ, रूट टू लीफ नोड मीन्स जिसके कोई चाइल्ड ना हो। जैसे पाथ कैसे निकालते हैं, ए टू जी, जैसे यहाँ पे ए है और यहाँ पे जी है, तो इसका पाथ कौन सा होगा, तो ए से बी पे, फिर बी से ई पे, फिर ई से जी पे, तो ये हो गया ए टू जी का पाथ। नेक्स्ट, एवरी नोड इन अ ट्री शुड हैव एटलीस्ट टू चिल्ड्रन इज कॉल्ड, अभी तक हम लोग ट्री देखे थे, ट्री में क्या था, एनी नंबर ऑफ चाइल्ड, जैसे यहाँ पे देखिए एनी नंबर ऑफ चाइल्ड, तीन भी चाइल्ड होता था, दो भी होता था, जीरो भी होता था, वन भी कर सकते हैं, तो ट्री में एनी नंबर ऑफ चाइल्ड हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, एवरी नोड इन अ ट्री शुड हैव एटमोस्ट टू चिल्ड्रन इज कॉल्ड, एटमोस्ट मीन्स जीरो भी हो सकता है, वन भी हो सकता है, टू भी हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा, तीन चार पांच ये सब नहीं हो सकता है, या तो जीरो, नहीं तो वन, नहीं तो टू। तो वैसे ट्री को क्या बोलेंगे जिसमें एटमोस्ट टू चिल्ड्रन हो, तो उसको बोलेंगे ट्री। ट्री नहीं हो सकता क्योंकि उसमें एनी नंबर ऑफ चाइल्ड होता है। बाइनरी ट्री, ग्राफ, नन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री वैसा ट्री होता है जिसमें एटमोस्ट टू चाइल्ड होता है, मीन्स जीरो या फिर वन या फिर टू। तो ये डिफरेंस हो गया ट्री में और बाइनरी ट्री में। ट्री में क्या है, एनी नंबर ऑफ चाइल्ड तीन भी हो सकता है, नो इशू, बट बाइनरी ट्री में क्या है, या तो जीरो, नहीं तो वन, नहीं तो टू। तो ये डिफरेंस हो गया ट्री और बाइनरी ट्री में। अब टाइप्स ऑफ बाइनरी ट्री कौन कौन होता है, तो टाइप्स में होता है स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री या फुल बाइनरी ट्री, ये दोनों सेम होता है, कंप्लीट बाइनरी ट्री या परफेक्ट बाइनरी ट्री, स्क्यूड बाइनरी ट्री, एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री। अब आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा क्योंकि बहुत सारे बुक में बहुत सारे अलग अलग यहाँ पे स्ट्रिक्टली और फुल बाइनरी ट्री को बिल्कुल अलग अलग डिफाइन किया है, बट ऐसा कुछ नहीं है, डिफिनेशन सेम है इन दोनों का, ये बिल्कुल लेटेस्ट आप लोग को बता रहे हैं, इसे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे छोटे छोटे बुक में इन सबको अलग अलग टाइप्स में दे दिया है। तो ये सारे क्या हो गए, टाइप्स हो गए बाइनरी ट्री के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी नोड ऑफ अ बाइनरी ट्री हैज आइदर जीरो और टू चाइल्ड नोड इज कॉल्ड, इज कॉल्ड, जो भी नोड्स हैं ट्री में उसके या तो जीरो चाइल्ड होंगे, नहीं तो दो चाइल्ड होंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, वन नहीं होंगे, या तो जीरो नहीं तो टू, तो उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री, लेफ्ट स्क्यूड बाइनरी ट्री, राइट स्क्यूड बाइनरी ट्री, नन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री या फिर फुल बाइनरी ट्री, जिसमें या तो जीरो चाइल्ड होगा नहीं तो दो चाइल्ड होगा। जैसे यहाँ पे एक डायग्राम है स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री का, ए है तो इसका दो चाइल्ड है, सी है इसका भी दो है, डी है इसका भी दो है, या फिर बी का जीरो है, ई का जीरो है, एफ का जीरो है, जी का जीरो, इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री, किसी का भी एक सिंगल चाइल्ड नहीं है, या तो जीरो है नहीं तो दो है। नेक्स्ट, इफ ऑल द लेवल्स ऑफ ट्री आर कंप्लीटली फिल्ड एक्सेप्ट द लास्ट लेवल एंड द लास्ट लेवल हैज ऑल कीज एज लेफ्ट एज पॉसिबल is called dash binary tree in which all leaf nodes are at the same level.
वैसा ट्री जो कम्प्लीटली फिल्ड हो एक्सेप्ट लास्ट लेवल को छोड़कर, और सारे जो लीफ नोड्स हैं वो सेम लेवल पे हो, तो उसको कौन सा बाइनरी ट्री बोलेंगे? स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री, कंप्लीट बाइनरी ट्री, परफेक्ट बाइनरी ट्री, बोथ बी एंड सी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, बोथ बी एंड सी। यहाँ पे स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री था, इसमें क्या था, जीरो या टू। अब इसमें क्या है, जो जितने भी लीफ नोड है वो सेम लेवल पे है और कंप्लीटली फिल्ड है, कंप्लीटली फिल्ड है सारे नोड्स। ऑल इफ ऑल द लेवल्स ऑफ ट्री आर कंप्लीटली फिल्ड, जैसे ये है जीरो, वन पे ये कंप्लीटली फिल्ड है, क्योंकि बाइनरी ट्री का टाइप सही है। तो बाइनरी ट्री में आप लोग को पता है कि एटमोस्ट टू चिल्ड्रन ही होता है और उससे ज्यादा नहीं होता है, तो दो चिल्ड्रन यहाँ पे फिल्ड है, इसके भी दो चिल्ड्रन, इसके भी दो चिल्ड्रन, फिर इसके दो, इसके दो, इसके दो और इसके दो, तो कम्प्लीटली फिल्ड है और जितने भी लीफ नोड है वो सेम लेवल पे है। तो इसको क्या बोलेंगे, कंप्लीट, कंप्लीट बाइनरी ट्री, परफेक्ट बाइनरी ट्री। बहुत सारे बुक में ये दोनों को अलग अलग डिफाइन किया है, कंप्लीट बाइनरी ट्री को और परफेक्ट बाइनरी ट्री को, बट नहीं, दोनों सेम होते हैं, कंप्लीट बाइनरी ट्री एंड परफेक्ट बाइनरी ट्री। ये हो गया कंप्लीट बाइनरी ट्री का डायग्राम, ये जीरो लेवल, वन लेवल, टू लेवल, थ्री लेवल, जैसे एग्जाम्पल में। अब इसमें कैसे इसका नोड्स, कितना नोड्स किस लेवल पे है कैसे निकलेगा, तो एट लेवल जीरो देयर मस्ट बी टू टू द पावर जीरो नोड्स। जैसे ये लेवल है इसपे टू टू द पावर जीरो नोड होना चाहिए, लेवल टू पे क्या होना चाहिए, टू टू द पावर वन, लेवल वन पे, लेवल टू पे टू टू द पावर टू, लेवल थ्री पे टू टू द पावर थ्री, इतने नंबर ऑफ नोड्स होने चाहिए कंप्लीट या परफेक्ट बाइनरी ट्री तभी कहलाएगा वो। जैसे टू टू द पावर जीरो मीन्स किसी पे भी पावर जीरो होता है तो वो क्या होता है, वन होता है, इस पे वन नोड है लेवल जीरो पे, राइट। फिर लेवल वन पे है टू टू द पावर वन, मीन्स टू टू द पावर वन इज इक्वल टू टू, तो दो नोड है यहाँ पे। लेवल टू पे है टू टू द पावर टू, जितना लेवल उतना पावर, तो टू टू द पावर टू मीन्स इज इक्वल टू फोर, तो यहाँ पे फोर नोड्स आप देख सकते हैं है प्रेजेंट। फिर लेवल थ्री, टू टू द पावर थ्री इज इक्वल टू एट, तो यहाँ पे एट नोड्स होने चाहिए तभी ये कंप्लीट या परफेक्ट बाउंड्री ट्री कहलाएगा। तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, तो एट नोड्स ऑलरेडी यहाँ प्रेजेंट है, तो ये क्या हो गया, कंप्लीट या परफेक्ट बाइनरी ट्री कहलाएगा। नेक्स्ट, अ ट्री विच इज डोमिनेटेड बाय लेफ्ट चाइल्ड नोड और राइट चाइल्ड नोड इज कॉल्ड, लेफ्ट चाइल्ड नोड या राइट चाइल्ड नोड से जो डोमिनेट होगा ट्री उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली नहीं, कंप्लीट नहीं, स्क्यूड यस, स्क्यूड बाइनरी ट्री। जैसे इसमें दो हो जाता है, एक लेफ्ट स्क्यूड बाइनरी ट्री, एक राइट स्क्यूड बाइनरी ट्री, मीन्स इसमें क्या है, सिर्फ लेफ्ट चाइल्ड है, डोमिनेट कौन सा कर रहा है, लेफ्ट चाइल्ड नोड कर रहा है, इसमें क्या है, राइट चाइल्ड नोड डोमिनेट कर रहा है, सो क्या बोलेंगे, राइट स्क्यूड बाइनरी ट्री। क्या यहाँ पे क्या हो रहा है, इन अ लेफ्ट स्क्यूड स्क्यूड ट्री मोस्ट ऑफ द नोड्स हैव द लेफ्ट चाइल्ड विदाउट कोरस्पॉन्डिंग राइट चाइल्ड, मतलब लेफ्ट चाइल्ड प्रेजेंट है और राइट में क्या हो जाएगा, राइट चाइल्ड प्रेजेंट होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, राइट स्क्यूड बाइनरी ट्री। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ ट्री ट्रेवर्सल आर, तो अभी तक हम लोग ट्री को देखें जिसमें कितने भी नंबर ऑफ नोड्स हो सकते हैं और उसका कैसे डिग्री, लेवल, हाइट, पाथ और कौन कौन सा टर्म्स मेन यूज होता है ट्री में उसको देखें, फिर हम लोग बाइनरी ट्री को देखें, डिफरेंस बिटवीन ट्री एंड बाइनरी ट्री, ट्री में एनी नंबर ऑफ नोड्स हो सकता है, बाइनरी ट्री में एटमोस्ट दो नोड होगा, मीन्स जीरो, वन और टू, फिर टाइप्स ऑफ बाइनरी ट्री को हम लोग पढ़ें, चार टाइप्स का बाइनरी ट्री था उसका डिफिनेशन देखें, उसका रिप्रेजेंटेशन देखें थ्रू डायग्राम। अब हम लोग देखते हैं कि उस ट्री में जितने नोड्स होते हैं उसको हम लोग एक्सेस कैसे करते हैं,
राइट, ट्रेवर्जल का आप डिफिनेशन पिछले वीडियो में बताया था मैंने, मीन्स एक्सेसिंग ऑफ नोड्स। तो ट्री ट्रेवर्जल कितने टाइप्स का होता है, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर, ऑल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल। ये तीनों तरीके से हम लोग ट्रेवर्जल करते हैं ट्री का। जो ट्री है वो तीनों तरीके से हम लोग प्री ऑर्डर के तरीके से, पोस्ट ऑर्डर एंड इन ऑर्डर के तरीके से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं सारे नोड्स को ट्री के। सो क्या बोलेंगे, ट्रेवर्जल। और ये बहुत ट्री ट्रेवर्जल से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो वो इनफिक्स टू पोस्टफिक्स था कन्वर्जन, और पोस्टफिक्स इवेल्युएशन, तो ये पूछा जाता है। और ये ट्री ट्रेवर्जल मीन्स ट्री दिया जाएगा, उसका इन ऑर्डर ट्रेवर्जल, प्री ऑर्डर ट्रेवर्जल एंड पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्जल पूछा जाता है। तो इसको आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिए। जैसे ट्री ट्रेवर्जल है, इसमें सबसे पहला क्या आता है, इन ऑर्डर ट्रेवर्जल। इन ऑर्डर ट्रेवर्जल में क्या होता है, जैसे ये छोटा सा एक ट्री है बस एग्जाम्पल के लिए, ए बी सी। तो इन ऑर्डर ट्रेवर्जल में हम लोग कैसे एक्सेस करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट चाइल्ड पे जाते हैं, फिर रूट नोड पे जाते हैं, फिर राइट चाइल्ड पे जाते हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट चाइल्ड कौन सा है, बी, फिर रूट कौन सा है, ए, फिर राइट कौन सा है, सी। तो ये क्या हो गया, इन ऑर्डर ट्रेवर्जल। सबसे पहले हम लोग बी पे जाएंगे, फिर ए पे जाएंगे, फिर सी पे जाएंगे। ये सीक्वेंस को फॉलो करना होता है इन ऑर्डर ट्रेवर्जल में। तो क्वेश्चन कैसे इसमें पूछा जाता है, आपको एक ट्री डायग्राम दिया जाएगा और बोला जाएगा इन ऑर्डर ट्रेवर्जल क्या होगा इसका। चार ऑप्शन रहेगा उसमें, उसमें एक का आपको टिक करना पड़ेगा। तो पहले उसका ट्रेवर्जल आप लोगों को खुद से करना पड़ेगा। तो सबसे पहले सीक्वेंस कौन सा फॉलो करेंगे, इन ऑर्डर, इन मीन्स रूट बीच में होगा, लेफ्ट चाइल्ड पहले एक्सेस करेंगे, फिर रूट नोड को, फिर राइट चाइल्ड। तो ये हो गया इन ऑर्डर ट्रेवर्जल। फिर प्री ऑर्डर ट्रेवर्जल, प्री मीन्स रूट पहले, तो सब रूट कौन सा है, ए है, फिर लेफ्ट चाइल्ड तो बी, फिर राइट चाइल्ड तो सी। तो ए बी सी, ये क्या हो गया, प्री ऑर्डर ट्रेवर्जल में सीक्वेंस क्या होता है, रूट लेफ्ट राइट। फिर पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्जल, पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्जल में क्या होता है, रूट सबसे लास्ट में आता है, पहले लेफ्ट चाइल्ड, फिर राइट चाइल्ड, फिर रूट। तो लेफ्ट क्या हो गया, बी, फिर राइट में सी, फिर रूट। तो बी सी ए, ये क्या हो गया, पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्जल। एग्जांपल देखेंगे, अब एग्जांपल से समझेंगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जो भी टेक्निकल पेपर होता है उसमें ये सब पूछा ही जाता है डेटा स्ट्रक्चर से। एग्जांपल में है, ये एक ट्री है, एक ट्री, ये आप कह सकते हैं बाइनरी ट्री ही है क्योंकि इसमें दो से ज्यादा किसी का चाइल्ड नहीं है, या तो एक है नहीं तो जीरो है नहीं तो दो है, तो ये बाइनरी ट्री हो गए। इसमें आप ट्री भी ले सकते हैं। तो कैसे इसका करेंगे, इन ऑर्डर ट्रेवर्जल, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर। तो सबसे पहले इन ऑर्डर में देखते हैं क्या होता है सीक्वेंस, लेफ्ट, रूट और राइट, लेफ्ट, रूट और राइट। सॉरी, इसमें आप ट्री को नहीं ले सकते हैं, बाइनरी ट्री का ही ट्रेवर्जल होता है क्योंकि इसमें तीन ही है, या तो लेफ्ट लेंगे, नहीं तो रूट लेंगे, नहीं तो राइट लेंगे। तो अगर तीन चाइल्ड होगा तो फिर कैसे उसका ट्रेवर्जल होगा, नहीं, सिर्फ बाइनरी ट्री का हम लोग ट्रेवर्जल करते हैं। तो क्या होगा, इन ऑर्डर में क्या सीक्वेंस होगा, ये सीक्वेंस होगा। कैसे होगा, तो सबसे पहले लेफ्ट, तो यहां से स्टार्ट करते हैं ट्री। जब भी स्टार्ट करेंगे कहाँ से करेंगे, रूट से स्टार्ट करेंगे, और लेफ्ट में सबसे पहले हम लोग को आना है। तो लेफ्ट में यहाँ पे आए, तो यहाँ पे क्या है, लेफ्ट में भी एक सब ट्री है, ट्री के लिए भी सेम सीक्वेंस और सब ट्री के लिए भी सेम सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। तो पहले ट्री में आए, ट्री में यहाँ पे लेफ्ट में, यहाँ पे लेफ्ट में आना है सबसे पहले, तो लेफ्ट में आए, तो लेफ्ट में दिखा कि एक और सब ट्री है, तो अब इसके लेफ्ट में आएंगे। तो क्या है लेफ्ट में, डी है, तो सबसे पहले हम लोग डी को ले लिए। उसके बाद कौन सा लेना है, रूट नोड को लेना है, राइट, तो रूट नोड क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा, तो बी को ले लेंगे। और राइट आना है, तो राइट में कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं यहाँ पे। फिर ये हो गया ट्रेवर्जल लेफ्ट सब ट्री का, ए के लेफ्ट सब ट्री का ट्रेवर्जल कंप्लीट हो गया।
अब हम लोग कहाँ जाएंगे, रूट पे जाएंगे। क्यों जाएंगे, क्योंकि लेफ्ट कंप्लीट हो चुका है, अब रूट लेना है। तो रूट कौन सा है, ए है, ए है, तो यहाँ पे ए ले लिए। फिर अब राइट में जाना है, तो राइट में जैसे ही है, देखे यहाँ पे एक तो ये राइट हो गया, कौन किसका, ए का। इसमें भी हम लोग को सब ट्री दिख रहा है, एक ये सब ट्री दिखा और एक ये सब ट्री दिखा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, सब ट्री को ट्रेवर्स करेंगे, फिर हम लोग मेन ट्री पे जाएंगे। तो राइट में जैसे ही आए यहाँ पे, तो दिखा एक सब ट्री। एक इस सब ट्री पे जब हम लोग आएंगे, तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, लेफ्ट लेंगे, जो लेफ्ट में कुछ है ही नहीं। तो लेफ्ट के बाद क्या लेना है, रूट लेना है। तो रूट में क्या आया, ई आया, तो ई को ले लिए। फिर राइट को लेना है, तो राइट में क्या है, जी है, तो जी को ले लिए। तो ये सब ट्री कंप्लीट, ये सब ट्री कंप्लीट। फिर जब इसके लेफ्ट सब ट्री को कंप्लीट कर लिए, तो अब क्या पे जाएंगे, रूट पे जाएंगे। तो रूट क्या है, सी है, तो सी को ले लिए। फिर अब इसके राइट सब ट्री में आएंगे, राइट में आए तो देखे एक और सब ट्री दिखा। तो पहले अब इसके लेफ्ट, रूट और राइट को लिखेंगे, फिर इस पे जाएंगे। तो लेफ्ट में क्या है, एच है, तो एच को ले लिए। फिर एफ है रूट, तो रूट को ले लिए। और फिर आई है, तो आई को ले लिए। ऐसे करके पूरे ट्री को हम लोग ट्रैवर्स करेंगे, इन ऑर्डर ट्रैवर्स जर्नी, लेफ्ट रूट राइट। प्री ऑर्डर में क्या होता है, रूट लेफ्ट राइट। अगर ये नहीं समझ में आया, तो दो तीन बार पीछे कर करके वीडियो को देखिएगा, समझ में आ जाएगा, बहुत आसान होता है। प्री बस एक बार क्लियर हो जाए कैसे लिखते हैं इस एक्सप्रेशन को। प्री ऑर्डर में क्या करते हैं, सबसे पहले रूट को लेते हैं, फिर लेफ्ट को, फिर राइट को। तो रूट यहां से स्टार्ट करेंगे, ए से, तो रूट को ले लिए ट्री के। अब लेफ्ट में आएंगे, तो लेफ्ट में दिखा कि एक सब ट्री मिला, तो इसमें सबसे पहले हम लोग रूट को ले लेंगे, तो रूट ले लिए। फिर हम लोग लेफ्ट चाइल्ड को लेंगे, तो डी को ले लेंगे। फिर राइट चाइल्ड को इसके लेंगे, कुछ नहीं है, तो इसका ट्रैवर्जल कंप्लीट। फिर यहाँ पे रूट लिए थे, लेफ्ट कंप्लीट कर लिए, अब राइट में आएंगे। राइट में जैसे ही आए, एक और सब ट्री दिखा, यहाँ पे एक और सब ट्री दिखा, तो इसमें अब सबसे पहले रूट पे आएंगे, तो रूट ले लिए सी, राइट, यहाँ पे सी रूट ले लिए। फिर इसके लेफ्ट में आएंगे, तो लेफ्ट में फिर एक सब ट्री दिखा, तो इसके सबसे पहले रूट को लेंगे ई। फिर लेफ्ट को, लेफ्ट में कुछ नहीं है, राइट में जी है, तो राइट को ले लिए। फिर ये कंप्लीट हो गया, इसके रूट को ले चुके हैं, अब राइट में आएंगे। तो फिर यहाँ एक सब ट्री मिला, तो एफ मिला, एफ सबसे पहले रूट को लेंगे, तो रूट ले लिए। फिर एच लेफ्ट को लेंगे, तो लेफ्ट वाला ले लिए, फिर राइट वाला ले लिए। और इस तरह से प्री ऑर्डर ट्रैवर्जल कंप्लीट। फिर पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्जल, इसमें क्या सीक्वेंस फॉलो करना होता है, लेफ्ट को पहले, फिर राइट को, फिर रूट को। रूट सबसे लास्ट में लेते हैं हम लोग। तो लेफ्ट में सबसे पहले कौन सा आ रहा है, डी आ रहा है, क्योंकि लेफ्ट सबसे पहले लेना है इसे। तो लेफ्ट में देख रहे हैं कि हम लोग को एक सब ट्री मिल रहा है, सब ट्री के लेफ्ट में क्या है, डी है, तो पहले डी को लेंगे। फिर राइट को लेंगे, राइट में कुछ नहीं है, तो फिर रूट को ले लेंगे, रूट ले लिए। तो ये कंप्लीट हो गया इस सब ट्री का ट्रैवर्जल। फिर क्या है, फिर लेफ्ट को, लेफ्ट कंप्लीट हो गया, अब राइट में आएंगे, राइट सब ट्री में आएंगे। राइट सब, राइट में आए तो राइट में भी सब ट्री दिखा, तो सबसे पहले इसको देखेंगे, क्योंकि राइट के लेफ्ट में आएंगे। क्यों, क्योंकि जो सब ट्री है, तो उसमें सबसे पहले कहाँ जाना है, लेफ्ट में भी जाना है, क्योंकि सेम सीक्वेंस को फॉलो करना होता है। तो लेफ्ट में आए, तो इसमें क्या है, लेफ्ट में कुछ नहीं है, राइट में, फिर राइट जाएंगे, तो राइट में डी, जी है, और फिर रूट है, तो रूट को ले लेंगे। तो ये सब ट्री का काम कंप्लीट। फिर हम लोग इसके राइट में आए, राइट में आए तो फिर एक सब ट्री दिखा, ये वाला। तो इसमें सबसे पहले किसको ले लेंगे, एच को ले लेंगे, क्योंकि किसको लेना है, लेफ्ट को लेना है, फिर राइट को लेना है, तो एच। फिर राइट में आई, फिर रूट को लेना है, तो रूट में एफ, क्या हो गया, एच आई एफ। फिर रूट को लेना है, क्योंकि हम लोग इसके सब ट्री को एक्सेस कर रहे थे, तो अब इसका रूट बचा हुआ है, क्योंकि रूट लास्ट में इसमें लेना है,
तो यहाँ पे सी ले लिए और फिर मेन रूट को ले लिए ए, तो ये हो गया पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्जन, प्री इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर। अगर नहीं समझ में आया तो दो तीन बार देखिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। एक बार जब समझ में आएगा तो कितने भी, कितना भी बड़ा ट्री हो, कितना भी बड़ा डायग्राम हो, आप इजिली उसका ट्रैवर्जन कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन है जिसका आप लोग को ट्रैवर्जल करके और एक्सप्रेशन को नीचे लिख करके बताना है सीक्वेंस, इन ऑर्डर में, प्री ऑर्डर में एंड पोस्ट ऑर्डर में। ये क्वेश्चन को आप लोग जरूर सॉल्व कीजिएगा, अगर आप एक बार खुद से सॉल्व कर लिए तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये आंसर स्लाइड्स हो गया, और इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, थोड़ा सा सर्चिंग का कॉन्सेप्ट देखेंगे, सॉर्टिंग का कॉन्सेप्ट देखेंगे और ग्राफ को देखेंगे। बस डेटा स्ट्रक्चर कंप्लीट, मींस एक पार्ट और आएगा डेटा स्ट्रक्चर का।